हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फनी जादी एंड आई एम ज़ीनत। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बिरयानी। और ये मैंने ले लिया है 1 kg चिकन, और यहाँ पे हमने काट ली है 1 प्याज, 4 हरी मिर्चें और 1 लहसुन की पूरी पोथी, और ये हमारा है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये है ज़ीरा और लौंग काली मिर्च, और हमारी इलायची हैं, तेज़पात, ज़्यादा भी ले सकते हैं आप अपने हिसाब से। और ये हमारे गरम मसाले हैं, 1 बड़ा चम्मच धनिया, और ये 1 से कुछ कम चम्मच सौंफ है ये पिसी हुई, और ये हमारा गरम मसाला है 1/2 चम्मच, और नमक स्वाद अनुसार। हम गरम मसाला घर का पिसा हुआ यूज़ करते हैं, अम्मी हमेशा घर पर पिसा हुआ मसाला यूज़ करती हैं। आज मैं बनाऊंगी बिरयानी, मैंने वैसे कभी बनाई नहीं है, बहुत कम बनाई होगी। और हमने यहाँ पे ये ले लिया है ऑयल कुकर में, जिसमें हम अपने चिकन को फ्राई करेंगे। तो मैं इसमें पहले चिकन डाल देती हूँ। हम ये चिकन डाल रही हैं, हमने फ्लेम एकदम लो कर रखी है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा फूल नहीं रहा है। और इसको अब हम चला देंगे हमें स्पून। हाँ, हमने फ्लेम हाई कर दी है अब, और इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे, और इसको हम देंगे चला। अब हम इसको फ्राई होने देंगे, हमने मसाला तो पहले ही काट लिया है। और अब हम चावल निकाल लेंगे, हम रोज़मर्रा के बनाने वाले चावल ही यूज़ करेंगे, डबल चाबी यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ और मेरे को इतने ढंग से बनानी नहीं आती है, तो चावल निकाल लेते हैं। ये हमने चावल निकाल लिए हैं, ये हमारे रोज़ वाले ही चावल हैं, 2 ग्लास चावल हमने ये निकाल लिए हैं। और अब हम इनको साफ़ करके धो लेंगे, पहले से पहले नहीं धोएंगे, जब सारा मसाला भुन जाएगा तो धोकर हम इसको डाल देंगे। अभी हम इसको साफ़ कर लेंगे। पक्का चावल होता है तो भिगो कर रख देते हैं, मुझे इतना नहीं पता, अम्मी मेरी हेल्प कर रही हैं, तो ये हमारे कच्चे चावल हैं तो हम इनको अभी नहीं धोएंगे। तो देखो गाइज, हमारा चिकन ऑलमोस्ट तल आया है, और जब तक इसका पानी नहीं सूखेगा ये, तब तक हमें इसको तलना है। मैंने इसकी फ्लेम भी कर रखी है, हाई कर रखी है। अब मैं इसको तल लूँगी, फिर उसके बाद इसको छोंक देंगे। तो गाइज देखिए, ये हमारा चिकन टोटल फ्राइड हो गया है, ये हमने फ्राई कर लिया है अपने चिकन को, और हमने इसका सारा पानी सुखा दिया, और अब हम जाएंगे अपनी बिरयानी छोंकने, तो चलते हैं। सो गाइज, ये देखिए, हमने भगोने में तेल डाल लिया है, 1 चम्मच तेल डाला है हमने इसमें, 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा है, और मुझे इतना नहीं पता, मैं कुकिंग इतनी ज़्यादा नहीं करती तो मुझे नहीं पता कितना है। अम्मी कह रही है 1 चम्मच से ज़्यादा तेल है, और अब इसका हम गरम होने का वेट करेंगे, जब ये गरम हो जाएगा तो हम इसमें अपने खड़े मसाले डाल देंगे। और हाँ, ऐसी तो बनती है। हमने इसमें डाल दिया है प्याज, लहसुन और चिली हुई मिर्चें, और इनको हम थोड़ा सा भूरा भूरा कर लेंगे। इट्स मीन ब्राउन। हाँ, सुनहरे, गोल्डन टाइम। मैं भूरा भूरा बोल रही हूँ।
गोल्डन कर लेंगे हम इसको, गोल्डन फ्राई कर लेंगे। और जब ये गोल्डन फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और देन फिर हम अपने इसमें मसाले पुट करेंगे। हमने इसमें गाइस हमने इसमें डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि हमारी ये गोल्डन फ्राई हो गई थी हमारी प्याज, तो अब हमने इसमें मसाला डाल दिया है। तो गाइस इसमें हमने डाल दी है हमारे अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि ये गोल्डन फ्राई हो गई थी हमारी प्याज। और और गाइस अब हम इसमें अपने डाल देंगे मसाले। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था क्या क्या है, हमने इसे कुक कर दिए। चलो थोड़ा सा भूने कर देखिए गाइस, हमारा मसाला अब हम अपना इसमें चिकन डाल देंगे। और हाँ, सबसे मेन इसमें हम डालते हैं चिल्ली पिकल, सबसे मेन हम डालते हैं टॉप का चिल्ली पिकल, ग्रीन चिल्ली पिकल है ये, और इससे बहुत ज्यादा टेस्ट आ जाता है इसमें। जब चावल हम डाल देंगे तो हम ग्रीन चिल्ली पिकल अपना डाल देंगे। कम करो मम्मी, चावल डाल। और गाइस अब हम इसमें अपने डालेंगे चावल, हमने धो लिए हैं। और फ्लेम हमने कम कर लिया ताकि नीचे से मसाला जले ना। गाइस हमने चावल डाल दिए हैं इसमें, अब हम इसको देंगे चला ताकि सारे चावल मसाले में सही हो जाए। और अब हम इसमें डाल देंगे अपना पानी। अम्मी बताएंगी मुझे पानी, मुझे नाप नहीं पता है। मैं पहले थोड़ा सा इसको चला लूंगी तब देखूंगी पानी। अभी ना हुआ, अभी हुआ नहीं है। अब मैं देख लूंगी इसमें पानी, चावल को अभी इतना हुआ है। चावलों पे टिका, हाथ हाँ चावलों पे ही है, इतना हुआ है। अभी तुम देखना अम्मी चम्मच, बस दो ना एक ही दो। गाइस हम एक चम्मच भर के पिकल डाल देंगे, कोई नहीं मैं चला दूंगा, बस ज्यादा हो जाएगा। तो चला देती हूँ मैं एक बार, और मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देखती हूँ नमक, अभी डल जाएगा तो परफेक्ट रहेगा। हम इसको देंगे ढक, और हमने फ्लेम भी कर दी है फुल, और अब हम इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। अभी हम चेक करके देख रहे हैं गाइस कि हमारे चावल पके या नहीं पके। पक गए, अभी थोड़ी देर लगेगी इनको पूरे प्रॉपर पकने में। गाइस अब हम इसमें डाल रहे हैं फूड कलर, हमने इसमें फूड कलर डाल दिया है, थोड़ा सा येलो भी डाल रहे हैं। ये हमारी चटनी, सलाद, और हमारी सलाद सैलेड, और हमारी बिरयानी है तैयार।
माशाल्लाह देखने में अच्छी लग रही है। तो हम आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।